नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सविता के साथ वेकेंस पर एक गाना नागा चैतन्य का हुआ वायरल। फोटो में देख फैंस हो गए हैरान। साउथ इंडियन स्टार नागा चैतन्य कुछ दिनों से एक्ट्रेस सविता के साथ रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियों में। इसी बीच अब दोनों की एक फोटो सामने आई जिसकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। समंदर उत्प्रभु और नागा चैतन्य की जोड़ी काफी पसंद किया जाता है, लेकिन दोनों के अलग होने पर फैंस को बड़ा झटका लगा। अब सवाल था कि अलग होने के बाद नागा का नाम कुछ समय से सोभिता धुलिपाना के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों ने एक साथ में काम किया है। इसी बीच अब नागा और सोभिता की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वह कहा जा रहा है कि दोनों साथ वेकेशन पर गए हुए हैं। दोनों को साथ में देखकर कई फैंस हैरान हो गए हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों गए कहाँ हैं। सभी समांथा और नागा की जोड़ी के जो फैंस थे वो इसी काफ़ी दुखी हुए थे। हालांकि अब फैंस ने इस फोटो की सच्चाई निकाली है। अब देखते हैं कि क्या इनका अंदाजा सही है या फिर गलत है। दरअसल कुछ फैंस ने फोटो को शेयर किया है, बैकग्राउंड की चीज़ों को हाईलाइट किया है जिससे लग रहा है कि दोनों की अलग अलग लोकेशन की फोटो है। बस इसके साथ क्लोज बनाकर शेयर की गई है। अब ये कंफर्म नहीं है कि दोनों सच में वेकेशन पर गए या फिर फैंस का कमाल है। वैसे तो इस फोटो पर नागा के फैंस उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि नागा को पूरा राइट है अब कि वह किसी को भी डेट कर रहे हैं। तो कोई बोल रहा है नागा अगर लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नागा के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो लास्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे। इस फिल्म की आमिर खान और करीना कपूर लीड रोल में थे। वहीं नागा का फिल्म में कॉमियो था। नागा के साथ काम करना काफ़ी पसंद किया था। वह एक वैकेंट प्रभु की फिल्म में नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी फिल्म के नाम कोई भी घोषणा नहीं की है। वहीं सोभिता की बात करें तो लास्ट मंडी रत्नम की फिल्म प्रोद्यनी सेल्वर में एक में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म सुपरहिट है। अब हिंदी फिल्म सितारा में नजर आने वाली हैं। इसके साथ ही इंग्लिश फिल्म मंकी मैन में भी नजर आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस अगर आप नागा के फैन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।